नमस्कार, आज हम ग्राम मुरकोल में एक किसान के आए हैं जो श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, उनसे मिलते हैं कि किस तरह से वो धान की खेती कर रहे हैं श्री विधि से। तो ये आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दीपक सोनी है। अच्छा, तो ये श्री विधि के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिला? सर ये कृषि विभाग से मिला है सर जानकारी। कृषि विभाग में कौन, किससे पता चला आपको? सर कृषि विभाग के कृषि विस्तार के अधिकारी हमारे रूपेश जी हैं, उन्हीं के माध्यम से हम मिला। अच्छा, तो ये आपने कब किया है इसका नर्सरी? सर नर्सरी हम 4 जुलाई को अंकुरित बीज करके इसको हम किए हैं। अच्छा, अंकुरित बीज से किए? जी सर, अंकुरित करके। कैसे अंकुरित, किस तरह से किए? सर बीज को लाए, हाँ, उसके बाद हम 12 घंटा बीज को पानी में भिगो के रखे, हाँ, उसके बाद भिगोने के बाद उसको हम सूती का जो बोरा होता है तो उसको, हाँ, जूट का बोरी, हाँ जूट का बोरी, हाँ, उसी में ला करके हम रखे और पानी। कितने घंटे तक रखे? लगभग उसमें सर 48 घंटे लगभग, हाँ, हाँ, उसमें रखे 48 घंटे। जी, तो फिर आपने 4 तारीख को इसका नर्सरी डाला? जी नर्सरी इसमें डाला है सर। तो आज ये कितने दिन का हो गया है? सर ये हमारा 14 दिन का हो गया है। तो थोड़ा सा इसका प्रक्रिया बताइए कि किस तरह से इसका नर्सरी बेड तैयार किए और कैसे बीज डाले, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। सर सबसे पहले हम तो खेत को अच्छी तरह से जुताई कर लिए, हाँ, जुताई करने के बाद खेत को लेवल में करके, हाँ, बस तो बराबर सभी जगह करके ताकि, हाँ, हम पानी को हम बहाव करेंगे तो बराबर पानी जाए, हाँ, तो लेवल में करने के बाद जो प्लास्टिक का बेड आता है उसको रस्सी के माध्यम से खींच लिए, हाँ, मतलब पहले रस्सी के माध्यम से सीधा खींच लिए, सीधा खींच लिए, हाँ, उसके बाद प्लास्टिक को बिछा करके उसे मट्टी लगभग 2 इंची का पर डालें, 2 इंची मिट्टी पर डालें, जी मिट्टी के पर 2 इंची डाल लगभग, हाँ, उसके बाद फिर इसमें गोबर खाद भी डालें जी क्या? सर इसमें जो जो भूना डेप द्वारा जो गोबर सड़ाया नहीं जाता है सर, हाँ, भूना डेप, जी सर वही वाला गोबर को सड़ा करके हमें इसमें डाला हो ताकि इसमें जो घास उस ना जमे। देख लीजिए सर आप सामने हैं, जमा है भूना डेप से जो तैयार होता है उसमें घास नहीं होता। जी सर वो सड़ा हुआ गोबर ही डाले हैं सर इसमें। 4 किलो है जी सर। अच्छा, तो ये कितने क्षेत्र में इसका रोपाई करना है? सर रोपाई तो लगभग, हाँ, मतलब 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ कितना? 1 एकड़ सर। 1 एकड़ जी सर। तो 1 एकड़ में तो ये शायद बच जाएगा कुछ? जी सर बीज बच जाएगा सर। हाँ, तो इसमें आपको क्या क्या इसमें फ़ायदा लगा ऐसे नर्सरी तैयार करने में? सर नर्सरी तैयार करने में फ़ायदा लगा सर इसमें कि जो नर्सरी भी हमारा अच्छे किस्म का तैयार होता है और जो हमारे नॉर्मल बीज करते हैं उसको जब हम उखाड़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो जड़ होता है वो टूट जाता है, हाँ, लेकिन इसमें नहीं टूटता सर। अभी हम कहिएगा तो दिखाऊंगा उसको उठा कर। हाँ दिखाइए थोड़ा सर उसको उठा के, हाँ, किस तरह से दिखाइए सर। सर इसमें कुछ नहीं करता रहता है सर, आसान से बहुत आसान बहुत ही आसान। ये देखिए इसे उठाइए ऐसे करके मस्ते मिट्टी सही दें पड़ जाता है, हाँ, मतलब इसमें घास भी नहीं है बिल्कुल? नहीं सर बिल्कुल घास नहीं, हाँ, देख सकते हैं सर। तो इसमें घास नहीं उगने के लिए कुछ और किए थे क्या? नहीं सर कुछ नहीं डाला हूँ सर, इसमें सड़ा हुआ गोबर ही डाला था। तो ये पुआल का जैसे शायद मल्चिंग किए होंगे इसके ऊपर? जी सर इसको मिट्टी को लेयर करने के बाद सर, हाँ, इसमें जो बीज बुआई करने के बाद, बीज बुआई करने के बाद जो गोबर होता है उसको जो हल्का फुल्का रहता है उसको बढ़िया मिश्रण करके उसके बीज को ढक देते हैं ताकि, मतलब बुआई करने के बाद आप इसे जो धान का पुआल होता है उसे बीज को ढक दिए है ना? जी ढक, मल्चिंग कर दिए उसके बाद, ढक दिए उसके बाद जब बाहर आ गया बीज मतलब अच्छी तरह से, हाँ, तो पुआल को हटा दिए। ठीक है, चलिए। तो फिर और इसमें आप जो रोपा लगा रहे हैं जी सर वो कितने कितने दूरी पर लगा रहे हैं? सर ये हमारा 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब पौधे से पौधा 25 का दूरी और लाइन से लाइन भी 25 का दूरी। ठीक है, तो ये कितने दिन का नर्सरी हो गया आप? ये हमारा 14 दिन का तैयार हो गया है, 4 तारीख के बाद आज 14 दिन। कि ये हमारे जो कृषक हैं वो रोपाई किस तरह से कर रहे हैं और कितनी दूरी पे उसको दूरी को मेंटेन कैसे कर रहे हैं ये खुद ही बताएंगे, चलिए देखते हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो आपने दूरी कितना बताया था इसका? सर इसका 25 25 सेंटीमीटर है ना, पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर और कतार से कतार भी 25 सेंटीमीटर। तो ये जो 25 सेंटीमीटर का दूरी है इसको आप मेंटेन रखने के लिए कैसे इसको मेंटेन रखते हैं, इसके लिए क्या किए हैं आप? सर इसके लिए देखिए रस्सी है,
हाँ इस रस्सी में 25-25 सेंटीमीटर पे गांठ बंधा है, मतलब ये जो गांठ है वो 25 सेंटीमीटर जी सर, है ना जी, ठीक है। और उसके जैसे उधर से लाइन आ रहा है उसको लाइन लाइन में इधर रोकते हुए आते हैं जी सर, तो दोनों तरफ से मेंटेन हो जाता है जी सर उसको, ठीक है, मतलब इधर से भी लाइन सीधा होता है और इधर से भी जी, उसके लिए ताकि हम तावची गुरमा चलाएं तो हमारा सीधा चल सके। हाँ तो ये तावची गुरमा आप ये कितने दिन बाद चलाते हैं सर? ये हमारा 12 दिन बाद चलेगा सर जी, एक बार चलेगा उसके बाद फिर उसके बाद 20-22 दिन के अंदर चलता है। हाँ मतलब हर 12-15 दिन के बाद इसमें चलाते हैं। हाँ सर, तो इसका क्या फ़ायदा होता है तावची चलाने का? जी सर, तावची गुरमा चलाएंगे तो सर इसका जो मिट्टी है ढीली होगी, हाँ। जब मिट्टी ढीली होगी तो उसका जड़ का विस्तार बढ़िया होगा, हाँ। जब जड़ का विस्तार अच्छा होगा तो हमारे कंसों की संख्या बढ़ेगी सर इसमें। अच्छा, मतलब इस जो रोपने से कंसों की संख्या अधिक बढ़ती है नॉर्मल की, नॉर्मल से लगभग जी, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा इसमें कंसे आते जी सर, इसमें अधिक आते हैं जी सर। यह तस्वीर के माध्यम से हम रोपाई करते हैं इसको। हाँ थोड़ा सा रोपाई करके दिखाइए किस तरह से करते हैं। ये देखिए सर, हमारे यहाँ पास एक गांठ है, सर वैसे करते हैं इस टाइप। हाँ ये देखिए सर, ये देखिए सर, जहाँ जहाँ बस गांठ है यहीं पास, हाँ लगाते हैं।